हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को हैप्पी बंगाली न्यू ईयर। आज मैं आपके लिए बहुत ही सिंपल एंड लाइट सा रेसिपी लेके आई हूँ। मेरी रेसिपी का नाम है कटहल की सब्जी यानी कि एचोरेट डालना। तो इस गर्मी में ये रेसिपी बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या चाहिए। तो पहले मैंने एक मीडियम साइज़ कटहल को छोटे टुकड़े में काट के रखा है। फिर मुझे चाहिए एक छोटा आलू, उसको भी काट के रखा है। एक टमाटर छोटे काटे हुए। फिर मुझे चाहिए एक और आधा छोटा चम्मच अदरक पेस्ट, नमक स्वाद अनुसार, एक छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, दो छोटा चम्मच धनिया और जीरा पाउडर। फिर मुझे चाहिए एक छोटा चम्मच गरम मसाला। फिर मैंने यहाँ पे लिया है आधा प्याज को छोटे काट के। फिर मुझे चाहिए यहाँ पे एक छोटा चम्मच जीरा। फिर मुझे यहाँ पे चाहिए होगा कुछ हरी मिर्ची। फिर मैंने यहाँ पे दो तेज पत्ते लिए हैं और कुछ लाल सूखी मिर्ची लिए हैं। तो चलिए अभी देख लेते हैं क्या करना है। तो यहाँ पे मैंने कटहल और आलू को एक कप पानी में भिगा दिया है। अभी इसको गैस के ऊपर रख के 5 से 6 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम में इसको थोड़ा सा पका लेंगे। तो आप 70% तक इसको पकाएंगे तो चलेगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे इसको रख दिया है। अभी 5 से 7 मिनट बाद मेरा जो आलू और कटहल है थोड़ा सा नरम हो गया है, पानी निकाल दिया है। अभी एक फ्राइंग पैन में मैंने यहाँ पे 2 छोटे चम्मच सरसों का ऑयल डाल दिया है। अभी इसको थोड़ा सा गर्म कर लेंगे। बहुत ही अच्छे से इसको गर्म करना है। अभी गर्म हो जाने के बाद मैंने यहाँ पे सारे सब्जी डाल दिए हैं। अभी आप देख सकते हो इसको अच्छे से फ्राई करेंगे, ठीक है। तो ऑयल को बहुत ही अच्छे से गर्म होने देंगे क्योंकि नीचे से नहीं तो फ्राई करने के टाइम ये लग सकता है। अभी डाल देंगे ऊपर से थोड़ा सा हल्दी पाउडर और नमक, आपके स्वाद अनुसार डालिएगा। अभी अच्छे से इसको लाल होने तक फ्राई करना है। चम्मच के सहायता से इसको आप हिलाते जाइए और अच्छे से इसको फ्राई करते रहिए। इस प्रोसेस में करीबन 5 से 6 मिनट लगते हैं, ठीक है। इस टाइम पे आप गैस के फ्लेम को मीडियम से हाई में ही रखिएगा और बीच बीच में इसको हिलाते जाइएगा ताकि नीचे से आपकी सब्जी जो है वो जल ना जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो थोड़ा थोड़ा कलर चेंज हो रहा है सब्जी का। तो अभी इसको थोड़ा सा चम्मच से हिलाते जाएंगे। तो मेरा जो सब्जी है वो लाल हो गया अच्छे से। अभी इसको प्लेट के ऊपर निकाल के रख देंगे साइड पे, ठीक है। तो चलिए सेम फ्राइंग पैन में 2 छोटे चम्मच ऑयल डाल दिया है मैंने। इसमें तेज पत्ता, सूखी मिर्ची, छोटा चम्मच जीरा और प्याज डाल दिया है। अभी इसको अच्छे से फ्राई करेंगे, ठीक है। ये प्याज ऑप्शनल है, अगर आपको पूरा वेज ही खाना है तो प्याज आप नहीं डाल सकते हो, ठीक है। अभी इसको हल्का लाल कलर होने तक प्याज को सेकना है ऑयल में ताकि खाने के टाइम बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि प्याज अगर कच्चा रह जाएगा तो खाने में अच्छा नहीं आएगा सब्जी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने टमाटर डाल दिए हैं कटे हुए। फिर डाल देते हैं नमक। तो टमाटर के बाद अगर आप नमक डालोगे तो टमाटर बहुत ही सॉफ्ट हो जाएंगे अच्छे से। तभी डाल देते हैं 2 छोटे चम्मच धनिया और जीरा पाउडर, ठीक है। इसको मैंने पहले से ही सेक के मिक्सी में ग्राइंड कर लिया था धनिया और जीरा को। अभी डाल दिया है आप देख सकते तो अदरक पेस्ट और हल्दी पाउडर, इसको भी अच्छे से मिला लिया है। अभी डाल देते हैं आपके स्वाद अनुसार लाल मिर्च पाउडर। फिर डाल देते हैं यहाँ पे कुछ हरी मिर्चियाँ, ठीक है। इसको भी अच्छे से पकाना है। अभी यहाँ पे मैंने आधा कप जैसा खट्टा दही लिया है, इसको थोड़ा सा पानी डाल के फेंट लिया था, अभी इसको भी डाल दिया है। अगर आपके पास खट्टा दही ना हो तो कोई बात नहीं, आप ऐसे भी इसको बना सकते हो, ऐसे भी इसका स्वाद अच्छा लगता है दही बिना भी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो चारों ओर से जो है ऑयल निकल रहा है, यानी कि मेरा जो मसाला है वो अच्छे से पक गया है। अभी इसके अंदर मैं 1 कप जैसा पानी डाल देती हूँ। नॉर्मल पानी ही डाला है, कुछ गर्म करके नहीं डाला है। अभी पहले से फ्राई किया हुआ कटहल और आलू मैंने यहाँ पे डाल देते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया है, अच्छे से ये डूब जाए इतना पानी इसमें ज़रूरत होगा, क्योंकि कटहल को भी थोड़ा सा
पकने के लिए टाइम चाहिए और पानी भी उसमें सूख जाता है। तो यहाँ पे ढक्कन बंद करके मैं 7 से 8 मिनट के लिए मीडियम से लो फ्लेम में पका लेती हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा कटहल अच्छे से पक गया है और मैंने गैस को भी बंद कर लिया है। तो लीजिए अभी ऊपर से थोड़ा सा गर्म मसाला छिड़क देते हैं, और गर्म मसाले की स्मेल लास्ट में बहुत अच्छा आता है, इसीलिए मैंने इसको लास्ट में ही डाला है। तो लीजिए आपका बहुत ही लाइट, सिंपल एंड हेल्दी सा कटहल की सब्जी रेसिपी रेडी हो गया है। तो आज की रेसिपी अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा, और इसका मज़ा आप चावल के साथ, पराठे के साथ, किसी के साथ भी ले सकते हो। तो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और इस रेसिपी को ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।